हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको खाने की क्या ज़रूरत होती है? इसका आंसर हो जाएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। तो उनको ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। एनर्जी मिलती है खाना खाने से, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने की। वेरियस कंपोनेंट्स जो कि खाने में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एंड मिनरल्स, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी, इसकी वजह से ही हम लोगों को खाने की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है, हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है पैरासाइट में और सेफ्रोट्रोफ में। तो देखिए, इसका आंसर है, यहाँ पे पैरासाइट है और यहाँ पे सेफ्रोट्रोफ है। ये देखिए, ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पर ज़रा। ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट। तो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर चले जाते हैं, उसकी बॉडी पर रहते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं। ठीक है, अपना न्यूट्रिएंट खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रोफ। तो देखिए, पैरासाइट्स जो होते हैं ना, तो वो तो जिंदा एनिमल्स में से लेते हैं अपना न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन वगैरह, मगर जो सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं ना, तो मरे हुए जानवरों में से, जो मरे हुए जानवरों पे कीड़े लग जाते हैं, वो जो कीड़े होते हैं ना, वो सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो एग्जांपल है पैरासाइट का, वो है कस्कुटा, कस्कुटा या फिर ऑर्किड्स इसका एग्जांपल है। और सेफ्रोट्रोफ का जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया या फिर कुछ फंगाई, सम फंगाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? स्टार्च की प्रेजेंस ऑफ लीव्स में कैसे टेस्ट करेंगे? जो आपकी एक्टिविटी गिवन है ना किताब में, वही है बस। तो आंसर देखिए, हम लोगों को क्या लेने हैं, टेक टू ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम टाइप, मतलब दो आपको ना पौधे लेने हैं जो कि बिल्कुल सेम टाइप के हो और आपने गमले में लगा रखे हो। कीप एक पॉटेड प्लांट को तो आप लोग डार्क रूम में रख दीजिए फॉर 1 or 2 days, एक दो दिन के लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, तो आप एक दो दिन के लिए एक पॉट को तो बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख दीजिए। कीप अदर प्लांट इन सनशाइन, तो और एक पौधे को आप लोग बिल्कुल धूप में रख दीजिए। नाउ टेक वन लीफ फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन देम। तो एक दो दिन बाद आप क्या करेंगे कि दोनों, जो एक पौधा आपने कमरे में रखा था, एक पौधा आपने धूप में रखा था, दोनों में से एक एक पत्ती ले लीजिए और उस पर क्या करिए, आयोडीन का सोल्यूशन डालिए। आयोडीन का सोल्यूशन डालने के बाद जो आपको उस पत्ती पर दिखता है वो लिखिए। तो प्लांट केप्ट इन लाइट एंड डार्क कंडीशंस, ठीक है, दोनों को लीजिए आप। तो नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन डार्क रूम। तो डार्क रूम की जो लीव होगी उस पर जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उस पर कोई भी आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा। दिस इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ स्टार्च, आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, तो इससे आप समझ जाइएगा कि कोई भी स्टार्च उसमें प्रेजेंट नहीं है। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन सनलाइट। तो ब्लू ब्लैक कलर किस पे दिखेगा, जो पत्ती आपने, जो पेड़ आपने सनलाइट में रखा था ना, उसकी पत्ती पर ब्लू ब्लैक कलर आपको दिख जाएगा। और ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन सॉल्यूशन जब आप किसी पत्ती पर डालते हैं और अगर आपको ब्लू ब्लैक सा कलर दिख जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पत्ती में, उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में किस तरीके से खाना बनता है, उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है। इसका आंसर है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स सेल्स सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट होता है, मतलब जिस प्लांट में क्लोरोफिल होती है, सिर्फ वही प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट में होता है। वो अपना खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट उनका खाना होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के लिए बोला गया है ना, अगर आपसे सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाने के, तो आपको सिर्फ यही आंसर देना है, बट आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है ना, तो जब ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा तो आपको स्टेप्स भी बताने। तो देखिए, स्टेप्स हैं, वाटर इज, स्टेप्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, कि वाटर इज टेकन इन
इन फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, मतलब जड़ें पानी लेती हैं और पत्तियों तक पहुंचा देती हैं प्लांट की. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, एंटर्स द लीव थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. तो जो छोटे छोटे से स्टोमेटा होते हैं ना लीव्स के ऊपर, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है एंड डिफ्यूजेस टू द सेल, और सेल्स में घुस जाती है. कौन से सेल्स में? जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है. सोलर एनर्जी जो है वो पानी को ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. तो ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद, और वो अपना क्या कर लेता है, खाना प्रिपेयर कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. तो प्लांट अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है. तो ये हमारा जो स्केच है, क्या होता है स्केच में, आपको देखिए ये प्लांट है तो आपको इसको लाइट मिली, फिर इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ऑक्सीजन ये रिलीज कर देगा, और इसके लीफ जो होगी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उस क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब होता है अपना खाना बना लेता है, और ज़मीन से ये पानी लेता है. तो इस तरीके से आपकी बुक में भी जो स्केच गिवन है वो आप बना सकते हैं. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस था. क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स है. तो देखिए ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. जो अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉप्स क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च. तो खाना जो बनाते हैं प्लांट्स वो किसकी फॉर्म में प्लांट में स्टोर रहता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर आराम से रह लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक का, वो ये है कि इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्योंकि जिस लीफ में क्लोरोफिल होता है वही तो सोलर एनर्जी को अपने अंदर रखते हैं, वरना नहीं रख पाती इसके अलावा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं. नेक्स्ट है, नेम द फॉलोइंग, हमें इनके नाम बताने हैं. पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, पैरासाइट प्लांट का नाम बताना है. तो जब भी आपको दिखे ना कि पैरासाइट प्लांट, पैरासाइट प्लांट कस्कुटा, ठीक है, पैरासाइट प्लांट होता है कस्कुटा. नेक्स्ट है, द प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप भी है, अपना खाना खुद भी बनाता है, हेटरोट्रॉप भी है, थोड़ा बहुत बाहर से कीड़े वीड़े खा लेता है, वो है पिचो प्लांट. ठीक है, पिचो प्लांट अपना ग्रीन कलर का होता है, अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है, मगर इसकी सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाती हैं. किसकी वजह से? सिर्फ अपने खाने बनाने की, इसलिए कुछ कीड़े खा लेता है अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस. पोर्स जिससे लीव्स जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं गैसेस को, उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, स्टोमेटा. नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट. कस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ, कस्कुटा जो है वो एक पैरासाइट का एग्जांपल है. ठीक है, पैरासाइट कैसे? क्योंकि वो किसी एक दूसरे प्लांट पर रहता है और उससे न्यूट्रिएंट लेता रहता है, और यानी कि वो प्लांट को, जिस होस्ट प्लांट पे वो रह रहा है उसके न्यूट्रिएंट्स वो ले लेता है, तो वो पैरासाइट हो गया. प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट. प्लांट जो ट्रैप करता है और इंसेक्ट्स पे फीड करता है उसका क्या नाम है? पिचर प्लांट है ना, हम लोगों को पता है जो पिचर प्लांट है वो क्या करता है, दूसरे प्लांट्स को, मतलब वो प्लांट क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, है ना. तो इसका आंसर है पिचर प्लांट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मैच करने हैं हमें. तो हमने मैच कर रखा है पहले से. तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मतलब सॉरी लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल. तो लीफ और क्लोरोफिल मैच हो जाएंगे. नाइट्रोजन और बैक्टीरिया मैच हो जाएगा. अमरबेल एक पैरासाइट है, हमने देख लिया. एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रोफ्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते. इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट पिचर प्लांट, पिचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है. ठीक है, तो ये हमने मैच द फॉलोइंग का, मैच द फॉलोइंग हमने आमने सामने ऑलरेडी लिख दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क हम लोग को ट्रू फॉल्स बताने हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फॉल्स, कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब की जाती है, रिलीज क्या किया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है. तो ये वाला क्या हो गया, फर्स्ट वाला फॉल्स. नेक्स्ट है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेफ्रोट्रोफ्स. नो, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको तो हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं, सेफ्रोट्रोफ तो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं. नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन. ट्रू, क्योंकि प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, तो प्रोटीन नहीं होता, सही बात है, ट्रू. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ट्रू, तो सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ये ट्रू है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है. विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से कौन सा प्लांट लेता है? तो देखिए, स्टोमेटा जो है ना वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है. करेक्ट ऑप्शन बताना है. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू लीव्स. तो देखिए, अभी आपने देखा इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा आंसर आ रहा है, और इसके बाद वाले में आप देख रहे हैं लीफ. तो क्योंकि हम लोगों को इस वाले ऑप्शन में लीफ वेन्स और ये सब गिवन था, हमें सिर्फ लीफ के पार्ट्स के नाम गिवन थे. तो लीफ का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उस पार्ट का नाम है स्टोमेटा. और ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, तो लीफ लेती है. ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें लीफ के पार्ट्स दे रखे थे और नीचे हम लोगों को प्लांट के पार्ट्स दे रखे थे. तो प्लांट का जो पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो है हमारा लीफ. ठीक है, और लीफ के अंदर जो होता है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करता है वो है स्टोमेटा. तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके हो गए हैं. कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा. ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करिए और लर्न अभी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब करिए. अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू.